हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप ठीक होंगे। सो आज का ये व्लॉग मैं सुबह के टाइम में स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज मैं आपको ये व्लॉग किचन में शुरू करूँगी, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ उड़द की दाल, जो डैडी जी को बहुत पसंद है। तो उड़द की दाल जो है, मैं वो माँ एक यूनिक तरीके से बना रही हूँ। उड़द की दाल को हम एक देसी लैंग्वेज में माँ की दाल भी बोलते हैं। सो जो उड़द की दाल है, वो मैंने शाम को पानी में रात को भिगो के रख दी थी, तो सुबह मैंने उसका जो पानी है वो निकाल दिया। तो उसमें और पानी डाल के पहले उसको अच्छी तरह से धो लिया। फिर मैंने उस दाल की, एक अच्छी बात ये है कि मैं उस दाल को कुकर में नहीं बना रही, जो कि मैं पतीले में बना रही हूँ, तो और गैस पे भी नहीं बना रही, मैं चूल्हे पे बना रही हूँ। तो ये देख, मैंने उसको उड़द की दाल को पतीले में डाल के चूल्हे के ऊपर रख दिया है। तो मैं उसके लिए, हम अभी एक मसाला तैयार करेंगे। अब इस दाल को बनाने के लिए हम मसाला तैयार कर रहे हैं। उसमें हमने डाला है लहसुन और हरी मिर्चें और थोड़ा सा धनिया भी डालेंगे। तो मसाले को हम डंडी कुंडी में कूट लेंगे। अगर बात और है कि हम ये दाल चूल्हे में बना रहे हैं, ना कि गैस पे बना रहे हैं। तो ये देखिए, ये दाल उबलना मतलब स्टार्ट हो चुकी है, पानी इसका गर्म हो चुका है। तो हम इसमें थोड़ा सा तेल डाल देते हैं। ये देखिए, हमने इसमें तेल डाल दिया है। इसमें पानी बहुत कम डलता है, ये तेल में ही इसको बनने में 2-3 घंटे तो लग जाएंगे। तो ये धीरे धीरे चूल्हे पे ही ऐसे ही इसके नीचे आंच जला देंगे और ये धीरे धीरे बनती रहेगी। तो अब हम इस जो मसाला ये हम डंडे कुंडे में कूट रहे थे, उसमें हम डाल देते हैं धनिया और जीरा साबुत, 2 चम्मच हमने डाल दिए है, और थोड़ी सी डाल देते हैं हल्दी। ये देखिए, ये हल्दी भी डाल दी है। अब इसको भी मिक्स कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको भी कूट लेते हैं। तो देखिए, हमारा मसाला ये बन के तैयार हो चुका है। और हमने ये नमक रखा हुआ है, ये नमक भी हमें मसाले के साथ दाल में डाल देंगे। तो चलिए, हम ये मसाला जो बना के रखा है उसको दाल में डाल देते हैं। हमने ये मसाला बनाया है, इसको हम इसमें डाल देते हैं दाल में, और साथ में ये जो नमक है इसको भी डाल देते हैं। अगर हम आपके पास अदरक है तो आप अदरक भी डाल सकते हो। हमारे पास अदरक अवेलेबल नहीं था तो हमने नहीं डाला। सो गाइस, अब मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। और बताना जो आपको आज की मेरी ये रेसिपी कैसे लगी, और आप भी ट्राई करना। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना।